जो लोग जो रिश्तेदार आपके कहते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस में रखा क्या है। मैंने कुछ इसमें पॉइंट नोट किए हैं, वो आप नोट कर लो और यदि आप इसको सीरियसली नोट कर लोगे और आप बड़े आराम से रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करके उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। इसमें इंतकाल हो गया, कब्जा ले हो गया, तो उसके बाद आपको इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, जो लोग जो रिश्तेदार आपके कहते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस में रखा क्या है, क्या रखा है अब आप ही देख लो। मैंने कुछ इसमें पॉइंट नोट किए हैं, वो आप नोट कर लो और यदि आप इसको सीरियसली नोट कर लोगे तो ये सवाल आपके सामने कोई नहीं कर पाएगा और आप बड़े आराम से रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करके उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। नंबर वन, पहले सेफ एंड सिक्योर। सेफ एंड सिक्योर का मतलब क्या है कि इसमें जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है यह सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है, क्योंकि कोई रजिस्ट्री आप करवा लो, इसमें इंतकाल हो गया, कब्जा ले हो गया, तो उसके बाद आपको इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। कई बार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, कोई बड़े बड़े बिजनेस तबाह हो जाते हैं किसी कारण, नेचुरल क्लैमिटी के कारण। यदि इसमें ऐसा कोई हो जाए, आपकी रजिस्ट्री भी जल जाए, गुम हो जाए, कहीं हो जाए, तो आपकी प्रॉपर्टी फिर भी बढ़ती की बढ़ती रहेगी, फिर भी वहीं की पड़ी है। मतलब यह सबसे सेफ एंड सिक्योर बिजनेस माना गया है। नंबर दो, वैल्यू एप्रिसिएशन। इसमें वैल्यू एप्रिसिएशन होती रहती है। यदि आप कोई कंप्यूटर ले लोगे, मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी आने वाले टाइम में, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है और इसकी जो है अप्रिशिएशन, वैल्यू अप्रिशिएशन इसकी है, इसकी ऑटोमेटिकली होती ही रहती है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। नंबर तीन, कंसिस्टेंट ग्रोथ। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब भी यही है कि जब आपने प्रॉपर्टी ले ली, एक बार उसको थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, तो उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलती जाएगी, इसके प्रॉपर्टी के आपके रेट बढ़ते चले जाएंगे। और नंबर चार पे है, योर प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कि ये काम करने के लिए आपको 24 घंटे हाजिर होना जरूरी नहीं है। यदि आप हाजिर होते हो, रहते हो अपनी प्रॉपर्टी के पास, तो भी कोई बात नहीं। नहीं तो आपने जो प्रॉपर्टी लेके रजिस्ट्री करवा ली, कब्जा ले लिया, उसके पास आप रोज थोड़ी जाते हो। जबकि दूसरे बिजनेस करने हैं, किसी ने किराने की दुकान खोलनी है, किसी ने हलवाई की दुकान खोलनी है, वो आपकी प्रेजेंस मांगती हैं, प्रेजेंस से भी ज़्यादा। हलवाई के काम में तो समझो दिन रात एक करना पड़ता है। तो इसमें फिर पांचवा पॉइंट आता है मेरा, पार्ट टाइम बिजनेस। ये पार्ट टाइम बिजनेस है। जब मैंने शुरू किया था तो मैं बैंक में काम करता था, तो बैंक में काम करते करते मेरे को अच्छा लगा ये, तो मैं स्लो स्लो इसको करता रहा, धीरे धीरे इसको करता रहा, और धीरे धीरे करने के बाद ये मैं बिजनेस को परमानेंट अपने, मतलब अपने लिए करना शुरू कर दिया। और बिजनेस में 31 साल हो गए मेरे को, इसको कोई इसमें टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बिजनेस होता रहता है। ये पार्ट टाइम बिजनेस है, आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई भी जो कर रहे हो आप, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो। छेमा, लोन अवेलेबल। इसके लिए लोन अवेलेबल है, आप लोगों के पैसे के साथ काम कर सकते हो। OPM जिसको बोलते हैं, OPM, अदर पीपल्स मनी। ये बैंक का पैसा भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, ये आपको लोन मिल जाता है। बाकी जब कई बिजनेस ऐसे हैं जिनको करने के लिए लोन नहीं मिलता, इनमें लोन मिलता है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस 7वां नंबर है इसका। आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिलती है, मतलब लाइफ तीन तरीके की मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर वन, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जो सिर्फ दाल रोटी वाला मसला है। एक लाइफ ऑफ सक्सेस, जिसमें आदमी अपनी इच्छाओं के मुताबिक सक्सेस हासिल कर लेता है। और तीसरी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें मैं कहता हूँ पैसा भी है, टाइम भी है, जबकि पैसा और टाइम दोनों ही आदमी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये रियल एस्टेट बिजनेस से ही मिल सकता है। 8वां है, अबव ऑल नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ये मैंने यहाँ भी कर दिया, 6 नंबर पे भी क्लियर कर दिया था, इसमें भी ये क्लैरिटी लाने के लिए 8वां नंबर भी दे दिया कि इसको करने के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, यदि आप रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करते हो। LIC का एजेंट हो, चाहे कोई कार डीलर हो, चाहे कोई मतलब प्रॉपर्टी डीलर हो, उसको अपने पैसे के बिना भी काम कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास नॉलेज प्रॉपर हो और आपकी जो बातचीत है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो ठीक हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।